हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम लेफ्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो सबसे पहले हम चलेंगे क्रिएट पर और आएंगे क्वेरी डिजाइन पर। यहां से हम क्वेरी डिजाइन पे आ गए और अब हमें करना क्या है, यहां पे ये जो ब्रैकेट पोजीशन है इसको हम ले लेंगे और यहां से इसको आईडी को सबसे पहले, फिर नेम को, फिर कैरेक्टर पोजीशन को इंसर्ट करा लेंगे। उसके बाद यहां राइट क्लिक करके और फिर जूम व्यू पे इसे ले लेंगे। जूम व्यू पे लेने के बाद कोलन लगाएंगे और कोलन लगाने के बाद यहां करना क्या है, यहां पे इनस्ट्रिंग फार्मूला यूज करेंगे। जैसा कि आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनस्ट्रिंग फार्मूला किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो इनस्ट्रिंग लगाया हमने यहां पे स्मॉल ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमको वो नेम देना है, तो यहां पे लिखा नेम, क्योंकि हमारा टाइटल नेम ही है तो हम यहां नेम देंगे। और यहां पर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। कॉमा लगाया हमने, अब हम क्या चाहते हैं कि कैरेक्टर की पोजीशन। तो अगर कोई कैरेक्टर ए है या फिर हम यहां क्या करते हैं डब्लू रखते हैं, कोई कैरेक्टर डब्लू है तो वो पोजीशन हमें बताइए कि ये डब्लू किस पोजीशन पे है। तो ओके किया हमने और यहां से रन पर क्लिक किया, तो यहां पे देख सकते हैं डब्लू जो है यहां पे 15 पोजीशन पे। आइए काउंट करते हैं, आपको लेफ्ट से काउंट करना है, 1 2 3 4, ये ओपन ब्रैकेट 4 और ये क्लोज ब्रैकेट 5 और ये स्पेस 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये डब्लू 15, यानी सही है। और फिर यहां पर देखिए इसमें कोई डब्लू है ही नहीं तो यहां पे 0 है, यहां पे डब्लू 13 नंबर पे है तो 13 है, और यहां पे डब्लू है ही नहीं तो यहां पे डब्लू नहीं है। अगर सपोज कीजिए यहां पे मैं लिख देता हूं वसीम, तो यहां पे डब्लू आ जाएगा कैरेक्टर जो है पहले नंबर पे, ठीक है। तो ये तरीका है। अब चलते हैं वापिस से उसी क्वेरी में और क्वेरी में जाकर के हम वहां पर अब कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि हम नेम को स्ट्रिंग को कैसे लेके आ सकते हैं। तो यहां पे मैं करता हूं लेफ्ट फॉर्मूले का प्रयोग, यहां लिखता हूं लेफ्ट, ठीक है, कोलन लगा देता हूं। ये लेफ्ट इसलिए लिख रहा हूं ताकि पहचान हो जाए कि हम लेफ्ट फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं। अब यहां पर लेफ्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली लिखना है लेफ्ट, चूंकि लेफ्ट फॉर्मूला यहां से यूज होगा। लेफ्ट लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहां लिखेंगे नेम, चूंकि नेम से ही एक्सट्रैक्ट करके वो आएगा, तो यहां लिखा नेम, कॉमा दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, कैरेक्टर पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर लिखा सी एच ए आर पॉस, ठीक है, यहां लिखेंगे पॉस यानी पोजीशन, तो ये लिख दिया हमने। स्क्वायर ब्रैकेट को किया क्लोज और यहां से इसको किया क्लोज। अब हमको ओके प्रेस करना है और यहां से रन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि लेफ्ट फॉर्मूला किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट की चीजें, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं आप, ये कैरेक्टर पोजीशन के हिसाब से आ रहा है, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर पोजीशन 15 यानी डब्लू से आ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। यानी कैरेक्टर पोजीशन डब्लू जो है 15 नंबर पे था, हमने आपको अभी दिखाया। यानी अगर हम इस फॉर्मूले में चलेंगे, यहां पे देख पाएंगे, यहां पे अगर हम क्वेरी में जाते हैं, मैं इसको जूम व्यू पे लेके आपको दिखाता हूं, जो कैरेक्टर पोजीशन हमने कैलकुलेट किया था उसमें डब्लू लिया था। अगर कोई और चीज हमें लेनी हो, जैसे अगर हमें ए लेना हो, तो यहां पे सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी। यहां पे देख सकते हैं आप, इसको अगर मैं रन करवा दूं तो यहां पे आप देख सकते हैं सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ए किस पोजिशन पे, 1 2, ठीक है, तो ये 2 आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। लेफ्ट के दो आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे डब्लू है ने, तो लेफ्ट के दो आ रहे हैं, तो ये लेफ्ट के दो हो गए ना, ठीक है। अगर हमें ब्रैकेट पोजीशन पता करनी हो तो कैसे करेंगे, चलते हैं वापस क्वेरी डिजाइन पे। ब्रैकेट की पोजीशन पता करनी है तो यहां पे मैं लिखता हूं ब्रैकेट पोजीशन, ठीक है, इतना लिखने के बाद यहां लगाया कोलन। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे पता करेंगे ब्रैकेट पोजीशन इनस्ट्रिंग फंक्शन से, तो इनस्ट्रिंग लगाया हमने और यहां पे लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। और यहां पे क्या करेंगे हम, ब्रैकेट पोजीशन पता करेंगे, तो यहां लिखेंगे नेम, नेम लिखा हमने, ठीक है, बंद किया इसको, कॉमा दिया। अब ब्रैकेट की पोजीशन पता करनी है, किसके ब्रैकेट की पोजीशन, तो ब्रैकेट की पोजीशन पता करनी है, लेफ्ट ब्रैकेट हो या राइट ब्रैकेट हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डबल कोटेड कॉमा में क्या करेंगे, अभी हम लेफ्ट ब्रैकेट की पोजीशन पता कर रहे हैं, तो यहां लेफ्ट ब्रैकेट हमने दे दिया, ठीक है। और लेफ्ट ब्रैकेट को देने के बाद इस स्मॉल ब्रैकेट को कर दिया है क्लोज और अब हमको चलना है रन पे क्लिक करना है। तो यहां देख सकते हैं कि ब्रैकेट की पोजीशन भी ये पता करके दे दे रहा है। अब ब्रैकेट की पोजीशन से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। यहां डिजाइन व्यू पे चलते हैं और यहां ब्रैकेट की पोजीशन से हमें पता करना है, तो यहां जूम व्यू कैरेक्टर ये दे देता हूं मैं, कोलन लगाता हूं, इसको यही नाम दे देता हूं।
अब हमें ब्रैकेट की पोजीशन से पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे लेफ्ट फार्मूला, लेफ्ट फार्मूला पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। लेफ्ट लगाया यहां पे स्मॉल ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहां पे नेम, ठीक है, नेम लिखा हमने, कॉमा देंगे। अब यहां पर ब्रैकेट की पोजीशन से पता करना है हमें, तो यहां पे क्या करेंगे हम, br pos, br pos ये दे दिया हमने, ओके। तो इसके देने के बाद अब यहां पे करेंगे इसको क्लोज, और क्लोज करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट को भी कर देंगे क्लोज, ओके प्रेस करेंगे, और ओके प्रेस करने के बाद यहां पे रन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से कैलकुलेट होकर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम कैरेक्टर की पोजीशन पता कर रहे हैं, कैरेक्टर साइड वाले कैरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं। जैसे आप लेफ्ट फॉर्मूले की बात करें तो लेफ्ट से काउंट करके ये आ जा रहा है, यानी ब्रैकेट की पोजीशन से। तो अभी हमने किस ब्रैकेट का पोजीशन पता किया है, लेफ्ट वाले ब्रैकेट का, तो लेफ्ट वाला ब्रैकेट भी इसमें आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि ये सारे फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।